कहिए कैसे हैं आप। हाउ टू थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले कैसे सोचें। देखिए, जो सोच समझ के बोलना है ना, ये एक बहुत ही जानदार, बल्कि ये कहना चाहिए बहुत ही शानदार स्किल है। ये एक ऐसी स्किल है जिसके थ्रू या तो हम किसी के मन में उतर जाते हैं या किसी के मन से उतर जाते हैं। अब देखिए, मन से तो उतरना हम कोई भी नहीं चाहते, हम सभी चाहते हैं कि हम किसी के मन में ही उतरें। इसके लिए ये स्किल आना बहुत ज़रूरी है। वैसे ना, बोलने से पहले सोचें, थिंक बिफोर यू स्पीक, इस बारे में तो वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक नीचे दे रही हूँ। पर इस वीडियो में ये बता रही हूँ कि बोलने से पहले किन बातों का ख्याल रखें और क्या सोचें, मतलब बोलने से पहले क्या सोचें। तो अब मैं बताती हूँ एक एक करके 7 पॉइंट्स। तो सबसे पहले है कि क्या हमारे पास कुछ बोलने को है, मतलब हम कुछ है हमारे पास बोलने को। कई बार होता है हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, बोलने को बेफालतू का बोले जा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं बोलना। मतलब जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, कुछ बोलना हो हमें, तब तो है फायदा, नहीं तो चुप रहिए, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। कई बार ये होता है कि एक रूम है, जैसे फ्रेंड सर्कल है, बैठे हुए हैं, चार पांच फ्रेंड्स बैठी हैं, चार पांच दोस्त बैठे हैं, कोई बोल नहीं रहा, कुछ बोलना है इसलिए बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, तो ये नहीं करना। मतलब अगर हमारे पास कुछ वाकई में बोलने को है तो जरूर बोलिए, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। फिर इसमें दूसरी बात आती है कि जब हम बात कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि हमारा माहौल क्या है, आसपास का माहौल क्या है, और हम किससे बात कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस कौन है, सुनने वाले लोग कौन है। जैसे कि मैं बताती हूँ कि जैसे एक आदमी है और वो गया किसी मैरिज पे, और वहाँ पर वो अपना दुखड़ा रोने लग गया, अपने साथ जो उसके साथ बुरे एक्सपीरियंस हुए वो शेयर कर रहा है, वहाँ माहौल है एकदम खुशी का। तो ऐसे में क्या इस तरह की बातें करना सही है? बिल्कुल भी नहीं सही। तो माहौल देखना चाहिए। अच्छा, फिर ये है कि ऑडियंस कौन है। जैसे एक तो माहौल हो गया, एक ऑडियंस सुनने वाले कौन है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है और उसके 5 6 दोस्त हैं, वो हमेशा ही उनसे बड़े वैसे इजी वे में और कुछ भी कह के, कैसे भी कह के वो बातें करता है। उस दिन उनके ग्रुप में एक नया लड़का आ गया, तो भी वो लड़का उनसे वैसे ही बात कर रहा है, मतलब उसको कोई ये नहीं है कि नया आया है या मैं थोड़ा संभल के बोलूं, जबकि संभल के बोलना चाहिए क्योंकि वो नया है। और उसके लिए क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट इंप्रेशन द लास्ट इंप्रेशन, वो क्या सोचेगा। तो इसलिए देखिए, एक हमारा सर्कल है, हम हमेशा ही ऐसे बात करते हैं, तो है अलग बात। अगर कोई नया जना आया है, कोई नया आदमी आया है, तो सोच समझ के बोलना चाहिए क्योंकि ये नया है, ये क्या इंप्रेशन लेके जाएगा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फिर इसमें तीसरा पॉइंट आता है कि हमारा बोलने का पर्पस क्या है। जो हम बोल रहे हैं, हमारा माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए, मतलब हमें पूरा पता हो कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे एक लड़की दूसरी लड़की से कोई आइडिया शेयर कर रही है, कोई बात शेयर कर रही है, तो उस बात की उसको पूरी नॉलेज हो। ऐसे नहीं है कि हाँ कुछ भी बोल दिया, पूरी नॉलेज हो तब बोलना चाहिए। एक आदमी दूसरे आदमी को मोटिवेट कर रहा है तो पूरी जोर से, पूरे जोर से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ तुमको आगे बढ़ना चाहिए, तुम करो, तुम कर सकते हो, ऐसे सुन के तो दूसरे का भी जोश खत्म हो जाएगा। तो उसको मोटिवेटिंग वे में बोलना चाहिए, मतलब कि उसके अंदर भी एक जोश आ जाए कि हाँ अभी जैसे बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाए, इस तरह से बोलना चाहिए। और जो हमारा पर्पस है वो नोबल होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सही नहीं बोल रहे, हमें पता है हम सही नहीं बोल रहे, पर हमारा पर्पस बहुत नोबल है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया, उसको पता है कि ये जो दोस्त है उसका बहुत सीरियस है, पर उसके पास जाके कोई बात नहीं, अरे ठीक हो जाओगे, देखना फिर हम घूमने चलेंगे, एक बार तुम घर आ जाओ फिर हम रोज घूमने चलेंगे। एक तो होती है ये बात, एक होती है कि दोस्त से मिलने गया है और उसके आगे जाके रोने लग गया, बैठ के रोने लग गया, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हे भगवान तू कैसी परीक्षा ले रहा है, मतलब एक इस तरह की बात हो गई। तो हमें इस तरह की ना करके, मतलब पॉजिटिव माइंड सेट रखना चाहिए। पता है हमें कि वो सीरियस है, पता है हमें कि हम सच नहीं बोल रहे, पर कई बार वही जो है ना, जो हमारा पर्पस है वो नोबल होना चाहिए। फिर आता है इसमें फोर्थ पॉइंट कि टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। कई बार हम ज़्यादा बोल जाते हैं और ज़्यादा बोलने के चक्कर में कुछ गलत भी बोला जाता है, उसका फर्क सीधा हमारे रिश्तों पे पड़ता है, रिलेशनशिप पे पड़ता है, इसलिए टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। वो बोलते भी है ना कि हजारों जवाबों से अच्छी है खामोशी मेरी। या फिर एक चीज़ और भी है कि खामोश रहना चाहिए, या फिर ऐसा बोलना चाहिए जो खामोशी से बेहतर हो। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है
कि जो हम बोल रहे हैं, जो हमारे शब्द हैं, उसका चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, बहुत सोच समझ के। ये जो शब्द है ना, देखने में तो ये फ्री हैं, बिल्कुल फ्री हैं, इनकी कोई कीमत थोड़ी ना है, पर अगर इनका इस्तेमाल सही नहीं किया जाए तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए बहुत सोच समझ कर इनका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर इसमें सिक्स पॉइंट आता है कि एज्यूम नहीं करना चाहिए। कई बार ना हम बस एज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए मेरी एक नेबर है, वो मुझे इग्नोर कर रही है एक दो दिन से, तो ये तो ऐसी है, ये तो घमंडी है, ये तो इसकी तो नेचर ही ऐसी है। नहीं, रीज़न जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बात क्या हुई, ये इग्नोर क्यों कर रही है। या एक लेडी दूसरी लेडी से बात कर रही है कि मेरी सास तो हमेशा ही चिल्लाती रहती है, तो दूसरी भी अज्यूम कर रही है हाँ सास तो होती है ऐसी है, चिल्लाती रहती है, हमेशा चिढ़ती रहती है, नाराज होती रहती है, इनका तो काम ही होता है। नहीं, अज्यूम नहीं करना, सोचना चाहिए कि वो चिल्ला क्यों रही है, बात क्या हुई है। फिर इसमें सेवन्थ पॉइंट आता है हमारी बॉडी लैंग्वेज और हमारी टोन। बॉडी लैंग्वेज तो देखिए कि हम फिजिकली तो वहाँ हैं ही, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है या मैं किसी से बात कर रही हूँ, हम फिजिकली तो वहाँ पे हैं ही, पर मेंटली भी होना है, यानी हम उसकी बात सुन भी रहे हैं, पूरा सुन रहे हैं, अटेंटिवली सुन रहे हैं। ऐसे नहीं है कि ध्यान इधर उधर है या हाँ बस ध्यान पूरा का पूरा मोबाइल में है कि मोबाइल देख रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, ध्यान उधर है ही नहीं, बस हाँ हूँ करे जा रहे हैं, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मतलब हम अगर किसी के सामने हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हमारा आई कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि हम सुन रहे हैं, बातों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। और हमारी टोन, हमारी जो पिच है, वो जो बोलने की है, चिल्ला के नहीं बोलना, चीख के नहीं बोलना, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से कि हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इस तरह से होनी चाहिए। तो ये तो है सात बातें कि किन बातों का ख्याल रखें जब हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से। अब ये है कि क्या सोचें, बोलने से पहले सोचें तो क्या सोचें। तो ये बताने से पहले ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगी। प्रसंग है ये सुकरात का। सुकरात एक महान दार्शनिक थे। एक बार वो मार्केट जा रहे थे तो एक आदमी ने उनको रोका और उनसे कहा कि आपको पता है कि आपका दोस्त आपके बारे में क्या कह रहा था। तो सुकरात ने बोला एक मिनट, पहले तुम मेरे कुछ बातों का जवाब दो। उन्होंने बोला हाँ पूछो। कहते जो दोस्त मेरे बारे में बोल रहा था, तुम मुझे तीन बातों का जवाब दो, क्या वो सच्ची है। तो बोला नहीं सच्ची कैसे है, मैंने तो सुनी है कहीं से। अच्छा, उन्होंने कहा दूसरी बात, क्या वो अच्छी है। तो वो मन में सोचने लगा अच्छी कहाँ होगी, मैं तो बुराई कर रहा हूँ किसी की, तो अच्छी तो नहीं है। तो वो बोलते नहीं अच्छी तो नहीं है। फिर उन्होंने तीसरा सवाल पूछा कि क्या ये मेरे काम की है। तो उसने ये सोचा उस आदमी ने कि काम की कैसे हो सकती है, इसमें तो बुराई भरी पड़ी है, ये इनके क्या काम आएगी। तो उन्होंने बोला नहीं। तो कहते जो बात ना सच्ची है, ना अच्छी है, ना काम की है, फिर मेरे सुनने का क्या फ़ायदा, रहने दो, मैंने नहीं सुनी, तुम जाओ। और ये कह के वो आगे बढ़ गए। तो हम जब बात कर रहे हैं ना कि क्या सोचें, मतलब जब हम बोल रहे हैं ना, तो हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें मतलब क्या सोच के बात करनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो वही कि क्या ये बात सच है, मतलब ऐसे नहीं है सुनी सुनाई है या किसी की बुराई है, कोई भी ज़रूरी नहीं है अपनी। हाँ सच बात है, ये है, बिल्कुल फैक्ट है, और इसलिए हम बात कर रहे हैं ये चीज़, ठीक है। फिर दूसरी है कि हेल्पफुल है, ये बात करने से क्या कोई मेरी मदद हो रही है या मैं किसी की फीलिंग्स हर्ट कर रही हूँ, ये सोच के भी बोलना चाहिए। फिर आती है बात कि क्या वो ज़रूरी है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम ये तो कह रहे हैं कि हाँ हमने जो बात करनी है हेल्पफुल हो किसी के लिए, उसको हर्ट ना करे, पर कई बार हमें कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमें बोलना पड़ता है। जैसे कि एक हस्बैंड हैं, उनको शुगर की प्रॉब्लम है, वाइफ उनको जब भी वो मीठा खाते हैं वो टोकती है, उसको पता है कि हस्बैंड को बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं मीठा खाता हूँ जब भी, ये टोकती है, पर वो ज़रूरी है, उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर बोलना भी चाहिए, चुप नहीं हो जाना चाहिए। फिर जो हम बोल रहे हो, जो हमारे शब्द हैं, वो बहुत काइंड हो, मतलब बहुत पोलाइट हो, बिल्कुल आराम से बात कर रहे हो, उसमें ऐसे गाली गलौज ना हो, उसमें कोई अपशब्द ना हो, बिल्कुल आराम से और सभ्य लहजे में बोलते हैं ना, जिसको मतलब बोलते हैं ना कि शब्दों के भी जायके होते हैं, इनको मतलब परोसने से पहले चखना चाहिए, मतलब किसी को बुरा तो नहीं लगेगा, बहुत पोलाइटली, बहुत डिसेंटली आराम से बात करनी चाहिए। फिर जो हम बोल रहे हैं वो इंस्पायर करे दूसरे को,
ये भी बहुत बड़ी बात है। एक बात तो मैं किसी को ये बोल रही हूँ, तुम तो ये कर ही नहीं सकती, तुम्हारे से तो हो ही नहीं पाएगा, तुम तो रहने दो। एक मैं ये बोल रही हूँ, तुम कर सकती हो, तुम करके तो देखो, तुम ही कर सकती हो, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। तो हम इनडायरेक्ट वे में किसी को मोटिवेट कर रहे हैं ना, किसी को बकअप कर रहे हैं ना कि तुम कर सकते हो। तो इस तरह से बोलना चाहिए। देखिए ये हैं वो 5 बातें कि अगर हम किसी को इस तरह से बोलेंगे तो यकीन मानिए हम किसी के दिल से नहीं उतरेंगे, हम किसी के दिल में उतर जाएंगे। पता है क्या होता है, देखिए मैं बताती हूँ कि किसी ने कुछ बोला, मतलब हमें अच्छा नहीं लगा, बेशक बेशक हमने उसको माफ़ तो कर दिया, हाँ ठीक है माफ़ कर दिया, पर हम भूलते कहाँ हैं, जिंदगी भर हमें वो बात मन ही मन रहती है, मतलब हमें याद रहती है उसने ये कहा था एक बार, उसने ऐसे कहा था। तो इसलिए क्यों ना सोच समझ के बोला जाए। वो बोलते भी है ना कि जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्दतों सोचिए, मुख्तसर बोलिए। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसी बारे में कि क्या बोलने से पहले क्या सोचना ज़रूरी है और किन किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।